आप कुछ इस तरीके से आप अपना यहाँ पे पोर्टफोलियो चेक कर सकते हैं, मेरा टोटल नेट ऑफ टोटल वर्थ ऑफ कितना है, मुझे इतना लॉस हुआ है, और यहाँ पे आपको किस कॉइन में कितना लॉस हुआ है, कितना प्रॉफिट है, और इस तरीके से आप यहाँ पे अपनी फाइनल बिल्कुल रिपोर्ट निकाल सकते हैं। हेलो गाइस, दिस इज़ स्वदेश सिंह एंड नाउ यू वॉचिंग क्रिप्टो बिगनर। तो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप बाइनेंस एक्सचेंज का लास्ट फाइनेंशियल ईयर या आप उससे पिछला पुराना फाइनेंशियल ईयर उसका यहाँ पे पूरा ट्रेडिंग हिस्ट्री यानी पूरा ITR, यहाँ पे कितना आपका टैक्स बना है, पूरा टैक्स कैलकुलेट करके विद इन सा 5 मिनट्स में आप इसे कैलकुलेट करके कैसे यहाँ पे आप इनकम टैक्स रिटर्न यहाँ पे फाइल कर सकते हैं। गाइज, यहाँ पे ये बिल्कुल इजी है, ज़्यादा यहाँ पे टफ नहीं है। तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे क्योंकि यहाँ पे टैक्स फिल करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और यहाँ पे रिक्वायर्ड काफ़ी ज़्यादा, ये यहाँ पे वीडियो डिमांडिंग वीडियो था, तो यहाँ पे मैं ये वीडियो आपके लिए ला रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे मोस्ट ऑफ यूज़र यहाँ पे बाइनेंस में ही ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पे मैं ये वीडियो यहाँ पे मैं PC में बना रहा हूँ, PC में इसलिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें आप मोबाइल में भी कर सकते हैं, पर यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे बड़ी स्क्रीन पे यहाँ पे अच्छे से दिखती हैं, तो यहाँ पे मोबाइल में अच्छे तरीके से नहीं दिखती हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे मैं PC में बता रहा हूँ। मोबाइल से भी आप सेम प्रोसेस करके यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ अपने आपको binance.com पे यहाँ पे लॉगिन करना है, और यहाँ पे आपको लॉगिन करके यहाँ पे एक ट्रेडिंग हिस्ट्री यहाँ पे डाउनलोड करनी है। तो यहाँ पे कैसे करनी है, तो यहाँ पे लॉगिन करते हैं सबसे पहले हम। उसके बाद आपको जो लॉगिन बटन है वो यहाँ पे आपको यहाँ पे 3 डॉट्स पे आना पड़ेगा, ये जो यहाँ पे लाइंस हैं इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको लॉगिन का बटन मिल जाएगा, इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप अपने मोबाइल नंबर या ईमेल से लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे बढ़िया है, यहाँ पे आप QR कोड स्कैन करके यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। आपको अपने मोबाइल में जाना है, अगर जो आपका यहाँ पे मोबाइल में अकाउंट लॉगिन है तो वहाँ पे आपको यहाँ पे स्कैन करना है ये QR कोड। जैसे यहाँ पे आप इसे स्कैन करेंगे और इसको ऑथराइज कर देना है, स्कैन करके ऑथराइज कर देंगे और आपका यहाँ पे देख सकते हैं कन्फर्म ऑन योर ऐप यहाँ पे लॉग इन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो उसके बाद गाइज आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे आना है, एक वॉलेट का ऑप्शन मिल जाएगा। वॉलेट का ऑप्शन के बाद यहाँ पे आपको ट्रांजेक्शन हिस्ट्री पे क्लिक करना है। बता दूं यहाँ पे मोबाइल में आपको मे भी हो सकता है वॉलेट का ऑप्शन नहीं मिले, मोबाइल में आपको क्या करना है अपने क्रोम ब्राउज़र से ही लॉगिन करना है। वहाँ पे आपको एक प्रोफाइल का आइकन मिल जाएगा, प्रोफाइल के आइकन के बाद वहाँ पे आपको वॉलेट का आइकन मिल जाएगा। वॉलेट के आइकन पे मिलने या जैसे आप यहाँ पे इसको रोकेंगे कर्सर तो वहाँ पे भी वॉलेट यहाँ पे ट्रांजेक्शन हिस्ट्री का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम वॉलेट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम ट्रांजेक्शन हिस्ट्री पे आपको क्लिक करते हैं। जैसे यहाँ पे हम गाइस ट्रांजेक्शन हिस्ट्री पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा जनरेट ऑल स्टेटमेंट्स, ठीक है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक स्टेटमेंट अभी यहाँ पे जनरेट किया था। तो यहाँ पे स्टेटमेंट जनरेट करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको टाइमिंग सेलेक्ट करनी है, ठीक है। यहाँ पे टाइमिंग आपको पास्ट 19 डेज दिखाते हैं, पर आपको यहाँ पे कस्टमाइज करना है। कस्टमाइज करने के बाद गाइज यहाँ पे आपको टाइमिंग फ्रेम सेलेक्ट करना है, आप यहाँ पे कितना पुराना यहाँ पे स्टेटमेंट यहाँ पे डाउनलोड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम टाइमिंग सेलेक्ट कर लेते हैं, मंथ आप यहाँ पे किस ईयर से यहाँ पे डाउनलोड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैं करना चाहता हूँ 2020 से, यहाँ पे देखते हैं 2020 से अप्रैल, ठीक है। यहाँ पे मैं जनवरी से 2020 से यहाँ पे डाउनलोड करना चाहता हूँ, ठीक है, 1 जनवरी 2020 से, और एंडिंग टाइम यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एंडिंग टाइम आज का यहाँ पे 5 तारीख है, ठीक है। और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, ठीक है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा है 5 टाइम्स रिमेनिंग दिस मंथ, आप 1 महीने में कम से कम 6 बार यहाँ पे आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। और जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है हाई ट्रांसफ़र रिकॉर्ड, ठीक है, यहाँ पे अगर जो आप क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे जो इतने ट्रांसफ़रिंग होती है आप यहाँ पे एक एक्सचेंज से दूसरे एक्सचेंज करते हैं सारी, तो यहाँ पे वो ट्रांसफ़र रिकॉर्ड्स आपको यहाँ पे नहीं बताएगा।
तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे अनटिक कर देता हूँ। मैं सारी स्टेटमेंट चाहता हूँ जिससे यहाँ पे टैक्स कैलकुलेट करना थोड़ा यहाँ पे आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे हम आपको यहाँ पे क्लिक करना है जनरेट के ऑप्शन पे, ठीक है। सबमिट सक्सेसफुली, एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट आफ्टर 3 आवर, यानी 3 आवर का यहाँ पे समय लग सकता है, क्योंकि यहाँ पे ये अपने सर्वर से यहाँ पे आपके लिए यहाँ पे स्टेटमेंट जनरेट करते हैं, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा टाइम लगता है। तो यहाँ पे जब तक यहाँ पे टाइम लगता है, तो आपको यहाँ पे एक चीज़ और कर लेनी है। यहाँ पे मैं बता दूँ कॉइन एक्स, ठीक है। कॉइन एक्स यहाँ पे, इसके बारे में पुरानी वीडियोस में बता चुका हूँ। इस पे आपको यहाँ पे साइन अप कर लेना है। साइन अप करने के लिए आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर दे के कर सकते हैं। आपको कोई यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए आधार पैन कार्ड यहाँ पे कुछ भी यूज़ नहीं करना है। इस पे करने के बाद गाइस यहाँ पे आप साइन अप करके रेडी हो जाइए। इसका लिंक आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी यहाँ पे फाइल एक यहाँ पे मैंने रिक्वेस्ट डाली थी, इसी को मैं यहाँ पे डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं ये फाइल की रिक्वेस्ट मैंने डाली थी, यहाँ पे हम कर लेते हैं इसको डाउनलोड, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी ये फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है, ठीक है। इसको जैसे यहाँ पे आप ओपन करेंगे, तो यहाँ पे जो इस फाइल को ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे एक अलग ऐप का यूज़ करना पड़ेगा। तो उसको यहाँ पे मैं यूज़ करने के लिए यहाँ पे न्यू टैब पे क्लिक करता हूँ, और जो उस ऐप का यहाँ पे नाम है, यहाँ पे गाइज विन RAR इस ऐप का नाम है, ठीक है। तो यहाँ पे इस पे हम सर्च करते हैं, और यहाँ पे ये वाली ऐप आपको यहाँ पे डाउनलोड करनी है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी आप यहाँ पे इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे डाउनलोड विन RAR पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे नीचे आना है, और यहाँ पे डाउनलोड विन RAR इस पे हम क्लिक कर देते हैं, और इसे हम यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं मेरी एक्सटेंशन यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुकी है। इसके बाद डाउनलोड होने के बाद सिम के बाद यहाँ पे देख सकते हैं मेरी जो एक्सटेंशन है वो डाउनलोड हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको ओपन करता हूँ, इसको ओपन करने के बाद सिंपली गाइज यहाँ पे आपको यस पे क्लिक करना है। यस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करना है। इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं सब कुछ यहाँ पे टिक हो इस तरीके से, और यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हैं सब कुछ डन हो चुका है। थैंक यू फॉर यूजिंग इन रॉल, डन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे ये हमारी फाइल यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है। देख सकते हैं यहाँ पे विन रॉर ऐप यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हैं मेरी जो यहाँ पे डैशबोर्ड है, टोटल यहाँ पे गेन्स, रियलाइज्ड गेन, अनरियलाइज्ड गेन, ठीक है, सब कुछ यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे आप वॉलेट्स पे क्लिक करके आप जिस एक्सचेंज का चाहते हैं, अगर जो आप यहाँ पे केवल बाइनेंस का चाहते हैं तो यहाँ पे केवल बाइनेंस का शो करेगा। तो यहाँ पे आप अपने पर्सनल, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मेरा बाइनेंस का शो हो रहा है कि मेरे पास बाइनेंस में अभी इतना फंड है, और यहाँ पे अनरियलाइज्ड गेन, रियलाइज्ड गेन का मतलब यहाँ पे ये होता है कि अनरियलाइज्ड गेन गाइज यहाँ पे अगर जो मैं टोटल अपनी वैल्यू यहाँ पे सेल कर दूँ तो यहाँ पे मुझे 44,000 का लॉस हो जाए। रियलाइज्ड गेन्स गाइज उसे कहते हैं, सपोज़ यहाँ पे आपने कोई कॉइन बाई किया था 2 रुपये पे और उसे आपने 4 रुपये पे बेच दिया, ठीक है, तो ऑलरेडी आपको यहाँ पे 2 रुपीज़ का बेनिफिट हो गया, वो ऑलरेडी हो चुका है, तो यहाँ पे उसे हम रियलाइज्ड गेन कहेंगे। अनरियलाइज्ड गेन मतलब अब अगर जो आपने कोई कॉइन यहाँ पे 2 रुपये पे ख़रीदा था, अभी तक उसे आपने बेचा नहीं है, तो यहाँ पे वो अनरियलाइज्ड गेन की कैटेगरी में आएगा। तो यहाँ पे गाइस आप यहाँ पे कैलेंडर पे क्लिक करके आप जिस भी फाइनेंशियल ईयर का यहाँ पे टैक्स रिपोर्ट यहाँ पे निकालना चाहते हो, तो यहाँ पे मैं 2021-22 यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे दो कुछ यहाँ पे रिफ्रेश होने के बाद कुछ सेकंड लग जाएगा, उसके बाद यहाँ पे 2021-22 का यहाँ पे पूरा रिपोर्ट मेरे सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं गाइज मेरा रिपोर्ट मेरा सामने आ चुका है, और यहाँ पे सब कुछ देख सकते हैं किस कॉइन में मुझे कितना लॉस हुआ है, ये 24 आवर में मुझे कितना प्रॉफिट हुआ है, और यहाँ पे गेन्स, एवरेज कॉस्ट, आपने यहाँ पे इसे किस प्राइस पे यहाँ पे बाई किया था, और यहाँ पे इसकी वैल्यू अभी क्या चल रही है, अभी यहाँ पे उस प्राइस उस कॉइन का प्राइस क्या चल रहा है,
यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे शो होता है, आपके पास यहाँ पे बैलेंसेस कितना है, और यहाँ पे अनरियलाइज्ड गेन का मतलब समझ के होंगे, यहाँ पे अनरियलाइज्ड गेन मतलब जैसे मैंने ये कॉइन ख़रीदा था, अभी तक इसको मैंने सेल नहीं किया है, सपोज़ कीजिए ये यहाँ पे मैंने ICP ख़रीदा था और यहाँ पे मैंने इसे सेल नहीं किया है अभी तक, तो ये मेरा जो 783 है वो यहाँ पे अनरियलाइज्ड गेन है, तो यहाँ पे ऐसे अनरियलाइज्ड गेन करके यहाँ पे टोटल मेरे पास यहाँ पे 5947 रुपये में माइनस में चल रहा हूँ, अगर जो मैं सेल कर दूंगा तो वहाँ पे वो रियलाइज्ड गेन में आ जाएगा, तो मुझे रियलाइज्ड गेन यहाँ पे टोटल एक्चुअली प्रॉफिट यहाँ पे 94,000 रुपीज़ यहाँ पे इस फाइनेंशियल ईयर में हुआ है। तो उम्मीद है गाइस यहाँ पे आपको चीज़ें समझ में आएंगी, आप यहाँ पे इसे और ज़्यादा ये कॉइनेक्स इम्प्रूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन पे क्लिक करके आप यहाँ पे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड देख सकते हैं, कौन से कॉइन से यहाँ पे फिल्टर्स लगा के कौन से कॉइन में आपको कितना प्रॉफिट हुआ है, तो यहाँ पे सारी ट्रांजेक्शन यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं और यहाँ पे बहुत कुछ यहाँ पे आने वाला है। तो उम्मीद है गाइस ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं अपनी अगली नई वीडियो में, तब तक दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। ऐप इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पे अपने फाइल्स में आना है, फाइल्स में आने के बाद यहाँ पे आपको डाउनलोड्स में आना है, डाउनलोड्स में देख सकते हैं ये मैंने एप्लीकेशन डाउनलोड की थी, उसके पहले मैंने ये फाइल डाउनलोड किया था यहाँ पे डॉट टॉर करके था, ठीक है। इस फाइल को आपको यहाँ पे राइट या लेफ्ट क्लिक करना है, ठीक है। राइट लेफ्ट क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पे आपको इस फाइल को यहाँ पे एक्सट्रैक्ट फाइल्स पे क्लिक करना है, ठीक है। एक्सट्रैक्ट फाइल पे क्लिक करना है, जैसे यहाँ पे इस पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है, क्लिक करने के बाद यहाँ पे गाइज आपको ओके के बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। ओके के बटन पे जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो गाइज यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे एक और यहाँ पे फाइल आ चुकी है, यहाँ पे देख सकते हैं ये एक फाइल यहाँ पे एक नई फाइल बन जाएगी, यहाँ पे ये एक्सेल में फाइल बन चुकी है। तो यहाँ पे इतना करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे अपने क्रोम ब्राउज़र पे आ जाना है, ठीक है, क्रोम ब्राउज़र पे आ जाना है और यहाँ पे क्वाइनेक्स जो मैंने अभी बताया था क्वाइनेक्स की साइट पे आना है, जैसे यहाँ पे लॉगिन यहाँ पे स्टार्ट करोगे तो यहाँ पे आपसे पूछेगा सिलेक्ट एन एक्सचेंज, यहाँ पे आप किस एक्सचेंज के यहाँ पे ट्रेडिंग रिपोर्ट निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैं बाइनेंस सेलेक्ट कर लूँगा, बाइनेंस सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्लिक टू अपलोड, यहाँ पे आपको फाइल अपलोड की करनी है, तो यहाँ पे हमने जो फाइल अभी यहाँ पे एक्सट्रैक्ट की थी यहाँ पे, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं डाउनलोड्स में यहाँ पे हमने जो फाइल एक्सट्रैक्ट की थी यहाँ पे उसी को फाइल को यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ठीक है, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे ओपन करना है, ठीक है। ओपन करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं मेरी फाइल यहाँ पे सबमिट हो चुकी, यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है, जैसे आप पे सबमिट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ आपको टाइम देना पड़ेगा, कम से कम यहाँ पे 4 से 5 मिनट यहाँ पे लग सकता है आपको टोटल यहाँ पे आपका टैक्स रिपोर्ट यहाँ पे आने में, ठीक है। यहाँ पे हम थोड़ा वेट करते हैं और वीडियो को यहाँ पे मैं कट कर देता हूँ। तो गाइज़ यहाँ पे देख सकते हैं मेरी जो यहाँ पे डैशबोर्ड है, टोटल यहाँ पे गेन्स, रियलाइज्ड गेन, अनरियलाइज्ड गेन, ठीक है, सब कुछ यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे आप वॉलेट्स पे क्लिक करके आप जिस एक्सचेंज का चाहते हैं, अगर जो आप यहाँ पे केवल बाइनेंस का चाहते हैं तो यहाँ पे केवल बाइनेंस का शो करेगा, देख सकते हैं यहाँ पे मेरा बाइनेंस का शो हो रहा है कि मेरे पास बाइनेंस में अभी इतना फंड है, और यहाँ पे अनरियलाइज्ड गेन, रियलाइज्ड गेन का मतलब यहाँ पे ये होता है कि अनरियलाइज्ड गेन गाइज यहाँ पे अगर जो मैं टोटल अपनी वैल्यू यहाँ पे सेल कर दूँ तो यहाँ पे मुझे 44,000 का लॉस हो जाएगा। रियलाइज्ड गेन्स गाइज उसे कहते हैं, सपोज़ यहाँ पे आपने कोई कॉइन बाई किया था 2 रुपये पे और उसे आपने 4 रुपये पे बेच दिया, ठीक है, तो ऑलरेडी आपको यहाँ पे 2 रुपीज़ का बेनिफिट हो गया, वो ऑलरेडी हो चुका है, तो यहाँ पे उसे हम रियलाइज्ड गेन कहेंगे। अनरियलाइज्ड गेन मतलब अब अगर जो आपने कोई कॉइन यहाँ पे 2 रुपये पे ख़रीदा था अभी तक उसे आपने बेचा नहीं है तो यहाँ पे वो अनरियलाइज्ड गेन की कैटेगरी में आएगा। यहाँ पे गाइस आप यहाँ पे कैलेंडर पे क्लिक करके आप जिस भी फाइनेंशियल ईयर का यहाँ पे टैक्स रिपोर्ट यहाँ पे निकालना चाहते हो तो यहाँ पे मैं 2021-22 यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पे दो कुछ यहाँ पे रिफ्रेश होने के बाद कुछ सेकंड लग जाएगा, उसके बाद यहाँ पे 2021-22 का यहाँ पे पूरा रिपोर्ट मेरे सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं गाइज मेरा रिपोर्ट मेरा सामने आ चुका है और यहाँ पे सब कुछ देख सकते हैं किस कॉइन ने मुझे कितना लॉस हुआ है, ये 24 आवर में मुझे कितना प्रॉफिट हुआ है, और यहाँ पे गेन्स, एवरेज कॉस्ट, आपने यहाँ पे इसे
किस प्राइस में यहाँ पे बाई किया था और यहाँ पे इसकी वैल्यू अभी क्या चल रही है, अभी यहाँ पे उस प्राइस उस कॉइन का प्राइस क्या चल रहा है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे शो होता है, आपके पास यहाँ पे बैलेंसेस कितना है। और यहाँ पे अनरियलाइज्ड गेन का मतलब समझ के होंगे, यहाँ पे अनरियलाइज्ड गेन मतलब जैसे मैंने ये कॉइन ख़रीदा था, अभी तक इसको मैंने सेल नहीं किया है। सपोज़ कीजिए ये यहाँ पे मैंने ICP ख़रीदा था और यहाँ पे मैंने इसे सेल नहीं किया है अभी तक, तो ये मेरा जो 783 है वो यहाँ पे अनरियलाइज्ड गेन है। तो यहाँ पे ऐसे अनरियलाइज्ड गेन करके यहाँ पे टोटल मेरे पास यहाँ पे 5,947 रुपये में माइनस में चल रहा हूँ। अगर जो मैं सेल कर दूंगा तो वहाँ पे वो रियलाइज्ड गेन में आ जाएगा। तो मुझे रियलाइज्ड गेन यहाँ पे टोटल एक्चुअली प्रॉफिट यहाँ पे 94,000 रुपीज़ यहाँ पे इस फाइनेंशियल ईयर में हुआ है। तो उम्मीद है गाइस यहाँ पे आपको चीज़ें समझ में आएंगी, आप यहाँ पे इसे और ज़्यादा ये कॉइनेक्स इम्प्रूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन पे क्लिक करके आप यहाँ पे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड देख सकते हैं, कौन से कॉइन से यहाँ पे फिल्टर्स लगा के कौन से कॉइन में आपको कितना प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पे सारी ट्रांजेक्शन यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं और यहाँ पे बहुत कुछ यहाँ पे आने वाला है। तो उम्मीद है गाइज ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपनी अगली नई वीडियो में, तब तक दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।